वार्ड चार पार्षद राजू देवी सैनी और पूर्व पार्षद सुनील सैनी ने बोरिंग का किया उद्घाटन। खबर जानते हैं विस्तार से। हरमाड़ा क्षेत्र के जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में लोगों को विकास की आस अब नजर आने लगी है, क्योंकि महिला वार्ड ने अब कमर कस ली है। वार्ड में विकास की गंगा बहानी है। वार्ड संख्या 4 इन दिनों जगह जगह बोरिंग, सिविल लाइन, रोड लाइट आदि का विकास कार्य जोरों पर चल रहा है, जिससे अब लोगों को आग लगने लगी है कि हमारा वार्ड भी राजधानी जयपुर में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। इसी दौरान शनिवार को जयपुर सीकर हाईवे स्थित कृष्णा कॉलोनी जोडला पावर हाउस के पीछे स्थानीय पार्षद व पूर्व पार्षद ने बोरिंग का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना कर नारियल फोड़, मिठाई बांट कर किया। इस मौके पर कॉलोनी वासियों ने पूर्व पार्षद सैनी का साफा व माला पहना के जोरदार स्वागत किया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 4 की स्थानीय पार्षद राजू देवी सैनी ने बताया कि वार्ड संख्या 4 में पानी का संकट बहुत दिनों से गहराया हुआ था, जिसकी शिकायत बार बार वार्ड वासियों से मिल रही थी, जिसको देखते हुए बोरिंग का उद्घाटन करवाया गया, जिससे लोगों को भरपूर पानी मिल सके। दूसरी ओर वार्ड संख्या 3 के पूर्व पार्षद सुनील सैनी ने बताया कि पिछले कार्यकाल में कुछ कॉलोनी बची हुई थी जिनमें पानी की समस्या दुरुस्त नहीं हो पाई, जिसको लेके मेरी माँ वार्ड संख्या 4 की पार्षद राजू देवी सैनी पानी की समस्या व विकास कार्य को पूर्ण रूप से करवा रही है और आगे भी जनता के सहयोग से वार्ड में विकास कार्य भरपूर होगा। इस मौके पर लोकेश सैनी, राजू सहित कॉलोनी वासी उपस्थित रहे।